भाई, ओहो भाई साहब, भाई ये क्या है भाई, क्या रोड है भाई, चेन्नई रोड भाई, NH16 लव है भाई। लाइट खोल दे, रखी दे, कोड कोड मारो हला, भाई। वेलकम गाइस टू ए न्यू ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग आप सबको, और इट्स योर मोबाइकर इंडिया साइनिंग इन। और कैसा लग रहा है भाई, अभी फिलहाल के लिए रात का 4 बजा है और अभी हम निकलने वाले हैं एक राइड पर। दोस्तों फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा आता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी हम निकल पड़े गंजाम डिस्ट्रिक्ट के ओर, जहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा हिल टॉप, और उसके साथ वाटरफॉल वगैरह है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी भाई, भुवनेश्वर इतना बढ़िया लगता है रात में निकलने के, मेरे को पता नहीं था भाई, क्योंकि इतना जल्दी हम राइड में कभी नहीं निकले थे, लेकिन भाई आज निकल के ना सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी फिलहाल के लिए चलते हैं हमारे मीटअप पॉइंट पर, डायरेक्ट उधर मिलेंगे। A few moments later. भाई सम्य भाई, भाई। सो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी हम है खंडगिरी पे, और ये रहा अपना ब्यूटी, और अभी हजार्ड ऑन करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि उधर से गाड़ी वगैरह आ रहे हैं। और गाड़ी अगर अलाइनमेंट के बारे में अगर बात करूँ, कौन कौन सा लाइन हुए हैं, ये है इंटरसेप्टर 650, ये है R15M, ये है NH200, उसके बाद ये है निंजा 650, RC200, और वो है हाइनेस, कितना है पता नहीं, होंडा हाइनेस, बस इतना पता है। और गाइस अभी फिलहाल के लिए इधर से निकलते हैं, और भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है, और क्या बताऊँ भाई, नाइट राइड में भाई निकलो ना। सो ये टाइमिंग जरूर से याद रखना कि 4 से 5 बजे से निकल जाना, लॉन्ग टूर हो भाई तब भाई। तो दोस्तों पता नहीं आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी सूरज निकल आए हैं, और भाई साहब अपना पलटन लोग देखो आगे चल रहे हैं भाई, कितना सुंदर लग रहा है भाई। और ये जो चीज़ है मैं कभी मिस करना नहीं चाहता। हम अभी 100 के स्पीड में चेज कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देख सकते हैं कि सुबह होने वाला है। आपको दिख रहा है कि नहीं, उधर जो लाइट दिख रहा है उसके पीछे एक पहाड़ है, उसको बोलते हैं बरूणी पहाड़। और बरूणी हिल का ब्लॉग भी तुरंत देखने के लिए आपको मिलेगा, वो थोड़ा मेरा पेंडिंग ब्लॉग अभी चल रहा है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। और गाइस देखो, बस हम खुर्दा भी क्रॉस कर चुके हैं, और भाई नज़ारा कुछ इस टाइप का है। भाई हमारा भाई स्पोर्ट्स बाइक है, कितना पेन कर रहा है धीरे धीरे मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंधे पे एक लदा है भारी भरकम बैग, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो भाई बैग तो लेना पड़ेगा। ओ भाई, ओहो भाई साहब, भाई क्या क्रैकर मारती है बॉस, ट्विन सिलेंडर का बस क्रैकर भाई, पूरा सर दर्द कर देता है भाई। ओ भाई और कुछ नहीं बताऊंगा भाई, बस अपना गाड़ी में इतना पावर आ जाए। सबसे लो सीसी मेरा ही बाइक है, तब उसके बाद NH200, RC200, लेकिन अपना तो भाई R15 बीस्ट है, बीस्ट। राजा जी। और इधर माइनिंग का काम चल रहा है शायद से भाई, क्या रोड है भाई, चेन्नई रोड भाई, NH16 लव है भाई, इतना बढ़िया रोड। और अभी अगर हम चले जाएं यमुना एक्सप्रेस हाईवे, तो भाई क्या कौन सा मतलब होगा, नहीं तो आगरा एक्सप्रेस हाईवे में भी चले जाएंगे ना, तभी भी भाई मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि ये 3 लेन है, वो 8 लेन है, 8 लेन मतलब समझ चुके हो ना, 1, 2, 3 और इसका डबल 6 और उससे 2 आगे, इसलिए तो उधर जाके सब 300 माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं, 300 स्पीड भगाएंगे। सो गाइस मैं आ रहा हूँ, बस ये चीज देखो भाई, गाइस लिटरली भाई ये जो नज़ारा है ना, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के अलावा और कभी भी ये जो नज़ारा है आपको देखने के लिए मिलेगा भाई, क्या प्यारा नज़ारा है भाई, वी आर ब्लेस्ड टू सी दिस नेचर, व्यू ऑफ नेचर भाई। गाइस हमारे भाई लोग सब निकल गए अभी हमें छोड़ के, आ गए
ही चल रहे होंगे भाई जान, कहाँ गए? अरे 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 इंतजार कर ले बेबी। A few moments later. गोला केमिति ओ लाइट जाई नहीं तार नॉर्मल। अरे ये लोग अच्छी हो रास्ते रे भाग्य भलो के एटा रही जाई छी। सुन सेटा काटी दे कि सेटा भीतर पुरे दे गोड भीतर पुरे। अरे भाई नने पड़ी के हजी जीव छ लाइट ता खोल दे रखी दे। कोड़ी कोड़ी मारो हला इधर। हम थोड़ा सा भी 5-10 मिनट के लिए रुके हैं, फोटोग्राफी चल रहा है। और भाई साहब क्या व्यू पॉइंट है भाई, यही तो देखने के लिए हम आए थे। और फिलहाल के लिए देख भी लिए, 100 किलोमीटर हम कवर कर लिए 1.5 घंटे में। अच्छा है अभी फिलहाल इतना स्पीड से ही जाएंगे तो अच्छे से ये करेंगे। आगे देखते हैं कहीं ब्रेकफास्ट पॉइंट उधर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे फिर से और 100 किलोमीटर में। और देखो ये जो सीनरी है, कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, आपके ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या है कैसा है, आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है कि नहीं। और लंबा नहीं खींचूँगा, इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दूँगा आई थिंक। सो कैसा लग रहा है भाई ज़रूर से कमेंट करके बताना भाई। नॉर्थ जाओ या साउथ जाओ, इंडिया में कहीं भी जाओ, लेकिन अभी रोड जो है ना भाई बहुत ही अमेजिंग। अभी रोड बन के सब रेडी हो रहा है। कुछ साल पहले अगर आते तो ये इतना अच्छा खासा रोड नहीं था, लेकिन अभी भाई देखो एक साइड में 2 लेन है, लेकिन भाई गजब कंक्रीट का रोड है भाई। नॉर्थ साइड जब आप जाते हो ना, मतलब पहाड़ी साइड, तो उसका फीलिंग अलग है, और साउथ साइड जब आते हो उसका फीलिंग अलग है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हाँ नॉर्थ साइड मेरे को अच्छा लगता है साउथ साइड नहीं, लेकिन भाई मज़ा है भाई मज़ा है। आप आओ कभी इधर घूमने के लिए बहरमपुर साइड भाई, आपको सच बोल रहा हूँ दिल नहीं करेगा घर जाने के लिए। कुछ ही पल में मैं आपको दिखाता हूँ कि एशिया लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक भाई, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं। ये है देखो, ये है चिलिका भाई। क्या नज़ारा है, क्या ब्यूटी पॉइंट है भाई, सच बोल रहा हूँ भाई दिल खुश हो गया ये सब चीज़ देख के और ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करके। क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं कहीं लॉन्ग टूर पे नहीं गया था, इस बार लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ। इसका मकसद ही मेरा वही है कि लॉन्ग टूर पे जाऊँ तो भाई अच्छा अच्छा पॉइंट जाऊँ, डेस्टिनेशन जाऊँ, जैसे कोई मेरे को भी मतलब दिल से तसल्ली मिले कि हाँ भाई राइडिंग का मतलब कुछ होता है। और आपको भी मैं ये सारा जितना भी चीज़ है सब आपको भी साथ भी शेयर कर सकूँ थ्रू माई वीडियो। गाइस हम पहुंच गए जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, ये है घाटी। आप देखो भाई कितना स्टिप चढ़ाई है, ऐसे ऐसे जिग जाग करके हम अभी पहाड़ के ऊपर चलेंगे। गाइस कमेंट करके ज़रूर से बोलना मेरा वीडियो आप कहां कहां से देखते हो। कोई इस तरह जगह से अगर देख रहा होगा तो भाई उसका तो मज़ा ही मज़ा है। एक या दो नंबर पर गाड़ी चल रहे हैं सब ट्रक, देखिए कितना धीरे कितना। आपको दिखाई देगा कि नहीं, देखिए कैसे लग रहा है चिलिका लेक, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। देखिए चिलिका लेक वो दूर तक पूरा जितना ही पानी स्प्रेड है ना चिलिका है। ओ भाई क्या रोड है भाई, कल आके इधर फोटो शूट कराएंगे भाई। इधर नहीं भगाएंगा तो किधर भगाएंगा। हाँ मेरी जान, मक्खन रोड। इधर अगर मैं इधर का मतलब होता ना लोकल भाई, लिटरली हर दिन ब्लॉग बनाता भाई। तो दोस्तों वी गाइस जस्ट एंटर टू द गंजाम डिस्ट्रिक्ट भाई साहब। गंजाम अभी प्रवेश कर चुके हैं और इधर से 30 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा बहरमपुर। बहरमपुर जाके अच्छे से खाएंगे पिएंगे, मेरे को बहुत ही भूख लगी भाई। ये क्या है? निकल जाएगा कभी, निकल जाएगा कितना बाहर जीव क्या जानी थी। गाइस देखे ना वो ट्रक का पहिया कैसे ऐसे 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 वोबल कर रहा था। गाइस फ्लाई बाय देखना, एक अच्छा सा फ्लाई बाय। तो भाई डरा देने वाली आवाज है भाई,
मतलब पूरा दहाड़ता हुआ पीछे से आते, घुस ऐसे निकल जाते हैं।